उड़ने लगे। दरअसल हम जैसे ही धरातल से छूटते हैं, संतुलन अपने आप छूटने लगता है। तो भगवान बुद्ध के जीवन से हम यदि संतुलन सीख लें तो ये एक महान तत्व है, जिसको हम अपने जीवन में यदि इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो हमारा जीवन अपने आप प्रबंध हो जाएगा। भगवान बुद्ध का जीवन, उन्होंने अपने घर को छोड़ा, उनके बारे में कहा गया या तो ये चक्रवर्ती राजा बनेगा या चक्रवर्ती संत मतलब रहेगा, ये पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया इसको समझेगी, पूरी दुनिया इसका नाम जानेगी। अब वो संत बनकर अपना नाम दुनिया तक फैलाए या वीर क्षत्रिय बनकर, शायद इन्होंने युद्ध की बेकार, अब जिसको कहें किसी चीज की उपयोगिता और किसी चीज की अनुपयोगिता, तो इन्होंने युद्ध की अनुपयोगिता बहुत जल्दी समझ ली थी। युद्ध आखिर कहीं नहीं पहुंचाता, मानवता सिर्फ नुकसान उठाती है युद्ध से। कुछ लोग शायद अपने हथियार बेच के थोड़े समय का फायदा उठा लेते हों, पर आखिर में तो वो भी नुकसान में रहते हैं, युद्ध किसी को फायदा नहीं देता। तो इन्होंने जब ये समझ लिया कि हिंसा किसी काम नहीं आने वाली, तो अपने ऊपर हिंसा करना भी उन्होंने बंद कर दिया। हम जब दुनिया को जीतना शुरू करते हैं तो हम अपने आप को जीतना बंद कर देते हैं। उन्होंने दुनिया को जीतना बंद कर दिया और उनका खेल अपने भीतर शुरू हो गया, उन्होंने अपने आप को जीतना शुरू किया। वो घूमना शुरू हुए थे, वो मुक्त पैदा नहीं हुए थे, उन्होंने जीवन में आकर अपने को मुक्त करने पर कार्य किया। उनको भी ठंड लगती थी, वो भी बीमार होते थे, उन्हें भी भूख लगती थी, उनके भीतर भी इच्छाएं थी, उन्होंने उन सब पर काम किया और धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को भी पाया। सेल्फ अवेयरनेस, आत्मज्ञान, आत्मचेतना, आत्मवंचना, उन्होंने पहले खुद को पाया और फिर जो उन्होंने पाया वो उसे दुनिया को देने के लिए निकल पड़े। उन्होंने आत्मज्ञान हासिल किया, इसीलिए तो उन्होंने कहा अपदीपो भव, अपना दीपक खुद बनो, अपना ज्ञान खुद अपने भीतर है, कहीं से ढूंढने जाने की जरूरत है नहीं। अपना ज्ञान सिर्फ जाओ और पता लगाओ, गो एंड गेट इट, आपको वो मिल जाएगा, वो वही है आपके भीतर। अपने अस्तित्व को जरा समझो, जरा अपने ऊपर ध्यान दो, जरा अपने आप को सुनना शुरू करो, जरा अपने आप को टटोलो, जरा अपने आप को छू कर देखो, जरा अपने आप को समझने की कोशिश करो और आप वो पाएंगे जो कोई और आपको आपके बारे में नहीं बता सकता था। जो आप खुद को देख सकते हैं वो कोई और आपको नहीं देख सकता। आप अपनी आंखों से जैसे खुद को देखते हैं आईने में, वैसे कोई कैमरा, कोई आंखें, कोई और आंखें आपको नहीं देख सकती। आप जैसा खुद को बोल सकते हैं वैसा और कोई दुनिया का यंत्र आपको नहीं बोल पाएगा। तो अपने भीतर कुछ है जिसे समझना है, अपदीपो भवो, अपना दीपक खुद बनो, अपना माइक खुद बनो, अपनी आंखें खुद बनो। और जो ईश्वर ने आपको दे दिया है वो भी तो आप ही थे, आप उसका वैसे इस्तेमाल करो जैसा द बेस्ट किया जा सकता है, संतुलित। तो दोस्तों, बहुत सारे बोधिसत्व आए जिन्होंने बुद्धत्व के बारे में चर्चा भी की, जिन्होंने अस्तित्व को समझने के लिए कुछ सूत्र दिए, और ये सूत्र ही या तो आप कहें बुद्धत्व के विचार और या कहें बुद्धत्व के सूत्र, इन पर यदि हम थोड़ा थोड़ा काम करें तो हम अपने जीवन को भी बड़े आराम से प्रबंध करना सीख जाएंगे। क्यों? क्योंकि आखिर में तो सारे के सारे बुद्ध यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि आप पैदा तो हो गए, अब आप अपना कर क्या रहे हो। बुद्ध यही बताना चाह रहे हैं कि एक बुद्ध जीवन का क्या करता है और एक सामान्य व्यक्ति जीवन का क्या करता है। एक बुद्ध आंखें बंद कर अपने भीतर की यात्रा करता है और एक सामान्य व्यक्ति दुनिया घूमना चाहता है। एक बुद्ध अपने भीतर जाता है किसी को पाने के लिए, कुछ पाने के लिए, और एक सामान्य व्यक्ति बाहर जाता है बाजार में कुछ पाने के लिए।
जो भीतर चला जाए वो बुद्ध, और जो बाहर रह जाए वो सामान्य। हमारे भीतर के इस सामान्य को बुद्ध तक की यात्रा करनी पड़ती है, और वो करनी चाहिए। हमारे भीतर का कोई बोधिसत्व, कोई हमारी इच्छाएं, कोई हमारी शंकाएं, कोई हमारे पूर्वाग्रह हमेशा हमारे साथ रहेंगे, और हम उनको बगैर समझे अपना समय ऐसे ही गवाते चले जाएंगे। तो आप उन्हें एक जीवन के नाम से कहें, शाक्य मुनि, या मम्मी पापा के दिए हुए नाम से कहें सिद्धार्थ, या वो नाम जो उन्होंने अपने आप को दिया, खुद के भीतर पाया बुद्ध, किसी भी नाम से उन्हें पुकारा जा सकता है। और हम हमेशा उस एक ही व्यक्ति की बात नहीं कर रहे। जब हम बुद्ध की बात कर रहे हैं तो हम सिद्धार्थ की बात नहीं कर रहे, जब सिद्धार्थ की बात कर रहे हैं तो शाक्य मुनि की नहीं। वो जो हैं वो उनका एक रोल है। जब वो सिद्धार्थ थे और बुद्ध नहीं हुए थे तब वो क्या कर रहे थे? वो जब सिद्धार्थ नहीं रहे और बुद्ध हो गए तब वो क्या कर रहे हैं? उनकी वाइफ, उनका पुत्र राहुल, यशोधरा उनकी वाइफ, वो उनके बुद्ध बनने से पहले उन्हें मिले, और वो उनके बुद्ध बनने के बाद भी उन्हें मिले। उन्होंने दोनों बार अलग चरित्र का पालन किया, उन्होंने दो बार अलग निगाह से देखा, अलग जबान से बोला। वो बुद्ध की जबान से कब बोलते हैं और सिद्धार्थ की जबान से कब, और एक सामान्य व्यक्ति की जबान और एक बुद्ध की जबान में क्या अंतर होता है? एक सामान्य व्यक्ति के शरीर और एक बुद्ध के शरीर में क्या अंतर होता है? दुख दोनों को होता है दोस्तों, दर्द भी दोनों को होता है, नींद भी दोनों को आती है, बुद्ध को भी और एक सामान्य व्यक्ति को भी, सिद्धार्थ को भी। पर